बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय भीम साथियों, मैं विशाल कुमार आज आपके बीच हाजिर हूं एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। जैसा कि आपको पता है, जो हमारी सुबह वीडियो आती है उस वीडियो में बहुजन समाज के व्यक्तियों के सवाल और बहुजन समाज के व्यक्ति उन सवालों पर क्या जवाब देते हैं वो सब कुछ होता है। यानी कि बहुजन समाज के व्यक्ति क्या चाहते हैं, बहुजन समाज के व्यक्तियों के दिल में क्या है, बहुजन समाज के व्यक्ति क्या कुछ इस समय जो राजनीति चल रही है उसमें क्या कुछ अपनी राय देते हैं, वो सब कुछ सुबह की वीडियो में होता है। यानी कि जो बहुजन समाज के व्यक्ति सवाल करते हैं और सवाल जो बहुजन समाज के व्यक्ति करते हैं उन सवालों को हम फेसबुक के माध्यम से जवाब पाने की कोशिश करते हैं बहुजन समाज के व्यक्तियों की, और ट्विटर के माध्यम से जवाब पाने की कोशिश करते हैं, और फाइनली उनका जवाब जब मिल जाता है तो हम आपके बीच उन सवाल का जवाब और लेकर आपके बीच आ जाते हैं। तो साथियों, अब इसमें जो हम सवाल हम आपके बीच रखते हैं उसका जवाब भी आपको बिल्कुल तर्क के साथ देना है। हमारी आपसे एक अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर बहुजन समाज के व्यक्ति के पास इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि साथियों इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आया हूँ। इस मुद्दे के बारे में पूरा बहुजन समाज वास्तव में जानना चाहता है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि बहुजन समाज का व्यक्ति भी यहाँ पर आकर अपनी राय दे सके, क्योंकि बहुजन समाज के व्यक्तियों के दिल में क्या है वो हमारे लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। और आप भी कमेंट्स को अवश्य पढ़ा करें जिससे कि आप भी समझ सको बहुजन समाज के व्यक्ति क्या चाहते हैं। और वैसे हम आपके बीच लगातार अपडेट लेकर आते रहते हैं बहुजन समाज के व्यक्ति क्या कहते हैं बहुजन नेताओं के बारे में और क्या कुछ उनके मन में है, सब कुछ हम आपके बीच लेकर। अब हम अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। अगर मुद्दा क्या है आज की इस वीडियो का, आज की इस वीडियो का मुद्दा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो कि बहन कुमारी मायावती जी को कुछ समय पहले एक पत्र लिखा था, यानी कि पत्र जब लिखा था जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आज़ाद समाज पार्टी का गठन भी नहीं किया था, यानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी भी नहीं बनाई थी, उससे पहले बहन कुमारी मायावती जी को पत्र लिखा था। अब साथियों सवाल, और हमने जो अपने कमेंट्स देखे, बहुत सारे कमेंट्स देखे, करीब हम जब 100 कमेंट्स देख लेते हैं एक ही बात के, एक ही मुद्दे के, जब हम उस मुद्दे पर वीडियो बनाते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा एक कमेंट मिला कि चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि हमने सवाल पूछा था कि चंद्रशेखर आज़ाद शामिल हुए तो क्यों होना, किस खुला पत्र क्यों लिखा, और तो उसमें बहुजन समाज के व्यक्ति कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो कुछ बहुजन समाज के व्यक्ति कह रहे हैं, यानी कि ना कि सभी कह रहे हैं, यानी करीब 20-30% बहुजन समाज के 700-600 कमेंट्स में, 200-300 कमेंट्स आए जिसमें बहुजन समाज के व्यक्ति कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद ने जो एनजीओ को खुला पत्र लिखा था उसमें कहीं ना कहीं राजनीति नज़र आ रही है हमको, यानी मुझको नहीं उन समाज के व्यक्तियों को जो कि कमेंट कर रहे हैं। तो साथियों हमने उनका सवाल लेकर फेसबुक पर डाला, फेसबुक में हमने क्या कुछ मुद्दा लिखा और ट्विटर पर भी हमने क्या कुछ मुद्दा लिखा हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। साथियों सबसे पहले हमने फेसबुक पर डाला, उसमें लिखा आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बसपा अध्यक्ष मायावती को खुला पत्र लिखा था क्या वह राजनीति थी। यानी कि हमने एक सवाल किया, ये ना कि हमने बोला कि ये राजनीति थी, हमने एक सवाल किया और उसके नीचे क्या कुछ जवाब आए हम आपको बताते हैं। साथियों करीब 10-20 कमेंट तो नो आए और 4-5 कमेंट ऐसे आए जो कि उन पर हमें बात भी करनी चाहिए। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जो कमेंट आया उसका जवाब आया मनोज कुमार विमल, जो कि हाथरस से, शायद वो भीम आर्मी में भी कार्य कर चुके हैं, और उनका कहना है भीम आर्मी को सपोर्ट करता हूं लेकिन मेरी पार्टी बीएसपी है। उन्होंने कह दिया, जो हमने जो सवाल पूछा था इसके सवाल के नीचे उनका जवाब आया कि हमारी पार्टी बीएसपी है और हम भीम आर्मी को सपोर्ट करते हैं। और मैं यहीं पर आपसे एक और सवाल पूछता हूं, आप किसको सपोर्ट करते हो और आपकी पार्टी कौन सी, ये आप अपनी कमेंट में राय अवश्य दें। ये मुद्दा, ये वीडियो सिर्फ बहुजन समाज के मुद्दा है, बहुजन समाज के सवाल हैं, बहुजन समाज के ही जवाब दे रहा हूँ, ना कि मैं अपनी तरफ से कोई जवाब दे रहा हूँ। हम अपनी तरफ से जवाब देते हैं जो कि आने वाली और वीडियो में, यानी कि जो वीडियो होती है सुबह वाली, वो बहुजन समाज के व्यक्तियों के सवाल जवाब सब कुछ बहुजन समाज के व्यक्तियों का ही होता है उस वीडियो में। तो साथियों इसमें जो कमेंट आया कि मनोज कुमार जी का भीम आर्मी को सपोर्ट करता हूँ लेकिन मेरी पार्टी बीएसपी, ऐसा मनोज कुमार जी कहते हैं, तो हमने इनका कमेंट लेकर ट्विटर पर स्क्रीनशॉट शेयर किया इसका, और हमने इसमें लिखा इस कमेंट से आप क्या समझते हो बताओ। यानी कि यहाँ पर भी हमने एक सवाल किया बहुजन समाज के व्यक्तियों से, इस कमेंट को शेयर करते हुए हमने पूछा कि
आप इस कमेंट को देखने के बाद क्या समझते हो। तो उसमें भी दो तीन कमेंट आए, ट्विटर पे थोड़ा बहुत कम फॉलोवर है हमारे, तो उसमें दो तीन कमेंट आए। उसमें एक जो कि गौतम कुमार हैं, गौतम कुंदन बौद्ध हैं, भीम आर्मी का सपोर्टर था और जब एएसपी का गठन हुआ और एएसपी बनी है जब से उन्होंने भीम आर्मी का, तो अब भी सपोर्ट करते हैं पर एएसपी का सपोर्ट नहीं करते, ऐसा है गौतम कुंदन बौद्ध। यहाँ पर भी हम आपसे एक और सवाल पूछते हैं, आप किसको सपोर्ट करते हो, कमेंट में अपनी राय आप दें, अपना ज़िले का नाम, अपने गांव का नाम बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, जिससे कि हमको पता चल सके कि किस ज़िले में, किस गांव में, किस कस्बे में भीम आर्मी व किस पार्टी के सबसे ज़्यादा सपोर्टर हैं, तो हम तय कर सकें और फिर हम आपके बीच एक और मुद्दा लेकर आएँ। तो साथियों हम ये वीडियो बनाते हैं करीब 24 घंटे की, रिपीट करते हैं 24 घंटे का जो देखते हैं सोशल मीडिया पर क्या कुछ है और बहुजन समाज के व्यक्ति क्या राय दे रहे हैं हमारी वीडियोज़ पर, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं जब हम आपके बीच ये मुद्दा लेकर आते हैं। साथियों आज का मुद्दा यही था, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि जो चंद्रशेखर आज़ाद ने जो आज से चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बहन कुमारी मायावती जी को खुला पत्र लिखा था, क्या वो राजनीति थी, ये हमारा एक सवाल है, ना कि हम खुद कह रहे हैं, ये हमारा आपसे एक सवाल है और हम आपसे पूरा विस्तार से एक सवाल करते हैं। आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बसपा अध्यक्ष मायावती को खुला पत्र लिखा था, क्या वह राजनीति थी, क्या वह राजनीति थी, ये आप अपनी कमेंट में राय दें, क्या आप ये हाँ या ना में जवाब दें, यानी कि हाँ या ना में, मेरे ऊपर कोई ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि ये हाँ थी, मैं ये ऐसा नहीं कह रहा, मैं आपकी राय मांग रहा हूँ, आपके मन में क्या है, आप क्या सोचते हो इस पत्र के बारे में जो पहले लिखा था चंद्रशेखर आज़ाद ने बहन कुमारी मायावती जी को खुला पत्र, उसके बारे में आप क्या कहते हो, हम आपको उस थोड़े पत्र के बारे में बता दें, उसमें क्या था, चंद्रशेखर आज़ाद ने उसमें साफ साफ लिखा था कि हम बीएसपी में शामिल हो जाना चाहते हैं और जो समय की स्थितियों को देखकर और बहन बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य करना चाहते हैं, यानी कि पत्र लिखा पर बहन जी ने चंद्रशेखर आज़ाद को कोई भी जवाब नहीं दिया। तो साथियों बहन जी ने क्यों जवाब नहीं दिया और चंद्रशेखर आज़ाद के इस पत्र के पीछे आपका क्या राय है और चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पत्र जो पत्र लिखा था उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, ये आप अपनी कमेंट में राय अवश्य दें। हमारा एक और आपसे निवेदन है, आप अपने शहर, अपने गांव या ज़िले का नाम बताया करें और ये भी बताया करें आप किस पार्टी के सपोर्टर हो, जिससे कि हम तय कर सकें आखिर किस कौन सी पार्टी इस समय मजबूत है और किस तरीके से मेहनत कर रही है, आप अपनी कमेंट में अवश्य बताएं, ये हमारा आपसे बहुत ही ज़्यादा विनम्र निवेदन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और हम आपसे फिर दोबारा कहना चाहेंगे कि हम जो सुबह की वीडियो बनाते हैं उसमें बहुजन समाज के व्यक्तियों के ही सवाल रहते हैं, बहुजन समाज के व्यक्ति ही उन सवाल का जवाब देते हैं, तो हमारा जो वीडियो है सुबह का उसमें हम आप बहुजन समाज के व्यक्तियों के मन की बात रखते हैं। हमारे मन की बात क्या है, हम तो दिन भर ही रखते रहते हैं अपने मन की बात और पर हम साथ में बहुजन समाज के व्यक्तियों के मन की बात भी अवश्य रखते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल के इस पर्दे पर। तो साथियों अपनी कमेंट में राय दें कि हम ऐसे ही बहुजन समाज के व्यक्तियों की राय रखते रहें या नहीं, आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है सुबह वाला या नहीं, ये आप अपनी कमेंट में राय अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।